गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू संजीवन ब्लॉक्स। आज हम लोग रांची निकल रहे हैं बिकॉज आयुष्मान का स्कूल चालू हो गया है एंड क्लासेस आर रेगुलर फॉर क्लास 1 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग को रांची पहुंचना पड़ेगा। न्यू सेशंस चालू हुए हैं तो बाकी सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो भी है स्कूल का वो सब कंप्लीट करना है। तो वी हैव प्लान्ड टुडे टू विजिट देयर। हम लोग निकलते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग वाया बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, नवादा एंड देन वी रिच टू रांची। उस लाइन में अभी 4 लेन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और ड्यू टू डैट लास्ट टाइम हम लोग को बहुत सारी स्ट्रगलिंग्स करनी पड़ी थी। टाइम टेकिंग ज़्यादा हो गया था और बहुत सारी विजिबिलिटी और सारी चीज़ की प्रॉब्लम्स थी। तो आज हम लोग नए रूट से जाएंगे। आई हैव नेवर बीन गोन थ्रू दैट रूट, बट देखते हैं कैसा है कंस्ट्रक्शंस। आज हम लोग नौबतपुर कवर करेंगे। नौबतपुर से हम लोग निकलेंगे, आई थिंक डोभी निकलेंगे एंड देन गया को कोशिश करेंगे अवॉइड करने का, क्योंकि दिन का टाइम है, ट्रैफिक वगैरह गया में ज़्यादा स्टक होंगी। तो हम लोग उधर से बॉयकॉट करते हुए निकलते हैं। हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेंगे। देखते हैं एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ। इस रूट का सब कंडीशंस ठीक है, ट्रैवलिंग लाइक रोड है या नहीं है। वी विल ट्राई टू कवर ऑल दैट। सो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग संजीवन ब्लॉग। और हम लोग रांची जा रहे हैं बिकॉज मेरा स्कूल खुल चुका है 2 साल के बाद, इसलिए अब हम लोग नए रास्ते से जा रहे हैं। देखिए जैन मंदिर नौबतपुर, यहाँ से 11 किलोमीटर है। यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे या राइट? पूरा रास्ता सरकरा है, सकरा है। रास्ता बिल्कुल खाली है, अच्छा लग रहा है। खाली 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 खाली। कौन सा शिवनगर पहुंच गए? तो गाइस पालीगंज में भी हम रुके हुए हैं। बंगला, पीपरा बंगला, पीपरा बंगला, पीता बंगला। जो चारों तरफ पेड़ है ना, हाँ, वो लंबा लंबा जो सभी मम्मा तोड़ने आई है। क्या नाम है मम्मा? सोहजन। सोहजन, ओ अभी मम्मा सोहजन तोड़ने आई है। कोशिश करता हूँ कि मैं मजा आ रहा है इसलिए तो हो गया। हाँ, उसको छोड़ देना, हो गया ना। गाइस अभी हम लोग इतना कुछ तोड़ चुके हैं। पीना है, फिर निकलेंगे डोभी की तरफ। हम लोग जीटी रोड पे आ गए हैं। औरंगाबाद से क्रॉस कर चुके हैं। जीटी रोड कटते हुए हम लोग जा रहे हैं डोभी की ओर। कुछ ही देर में टोल मिल जाएगा। ये जीटी रोड है। ये आपको सीधा अगर निकल जाते हैं, ये बरही होते हुए बरही जाएगी, फिर आगे यही रोड देवघर वगैरह कनेक्ट करता है और आगे जाते जाते ये कलकत्ता पहुंच जाते हैं। बिहार का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग बहुत बुरे वाले जाम में फंस चुके हैं। जितना रास्ता खाली था उतना जाम भी अब आ चुका है। आप देख ही सकते हैं, आप इतना नज़ारा हमारा और गर्मी से त्रस्त होते हुए पूरी जर्नी का हमारा बैंड बज गया। बहुत लंबा जाम है, क्या पता ही नहीं चल रहा, अभी कुछ दिख नहीं रहा। बहुत हम लोग खुशी खुशी आ गए थे जाम देख रहे। तो अभी हम लोग दूसरा लाइन बदल रहे हैं, यहाँ तो थोड़ा चल भी रहा है। चलो भाई अब देखते हैं क्या होता है आगे। इधर तो पूरा पहाड़ी पहाड़ और यहाँ पे चलो जाम नहीं था, फिर कटा हुआ था। अब रास्ता पूरा थोड़ा सा जाम था, ऐसा जाम तो बहुत होता है क्या। तो गाइस अभी हम लोग रेस्ट ले रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा टोल टैक्स है ना, ये रास्ता कोलकाता जाता है ना। तो पटना अभी हम लोग बड़ी पहुंच चुके हैं। हाँ बड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे हम लोग पिछले हमेशा आते हैं ये वाला रास्ता यूज करते हैं, लेकिन आज हम लोग गया की तरफ से है। हाँ बड़ी मिल रहे हैं, ये राइट साइड चल के इधर रांची और ये वाला रास्ता कोलकाता का है, ये वाला। और जहाँ अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं ये रांची वाला है। रांची 125 किलोमीटर। अच्छा रहा इधर प्लान होगा उन लोगों का। दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी हम लोग बड़ी में हैं। गाइस अभी हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। गाइस बहुत ही ज्यादा मीठा हो रहा था, हमको कैसे लगा। बहुत ही मीठा, बहुत ही टेस्टी। बाबूजी से भी पूछा, बहुत ही ज्यादा मीठा था, बहुत ही मजा आ गया पीने के बाद। अब चलते हैं टुवर्ड्स हजारीबाग जा रहे हैं। अभी जस्ट बरही क्रॉस किया है। सो गाइस अभी हम लोग तीसरे टोल प्लाजा में पहुंच चुके हैं। रामगढ़ घाटी क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइस ये रामगढ़ का आखिरी टोल है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ओरमांझी से रिंग रोड पकड़ चुके हैं और ये रांची का डैम जो है काटिएगा मत लेके। और ये अब हम पहुंच चुके हैं हमारे क्रिकेटर मिस्टर MS धोनी का घर। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो पटना औरंगाबाद हाईवे से जो हम लोग आए हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और फिर GT रोड कनेक्ट करते हुए, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अब कंपेयर टू लास्ट ड्राइव जो हम लोगों ने बख्तियारपुर होते हुए आए थे नवादा, दैट रोड अभी भी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब तक वो सही नहीं हो जाता दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम पटना टू रांची और रांची टू पटना। बिकॉज टाइम टेकिंग भी बहुत कम लगा, एस्टिमेट टाइम के हिसाब से अगर देखें तो अंडर टाइम ही हम लोग पहुँच गए और रास्ता भी हमें एक्सलेंट लगा। 4 टोल लगते हैं, एक पहला डोभी हो गया आपका, दूसरा बरही के पास है, तीसरा आपको हजारीबाग और चौथा रामगढ़ घाटी उड़माची। 4 टोल मिला के आपको 380 रुपये का टोटल एक्सपेंस टोल पे आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।